हाय फ्रेंड्स, मैं राजीव, मेरा यूट्यूब चैनल केयर म्यूजिक को आपको स्वागत है। आज हम एक दमदार वीडियो लेके आया हूँ कि आप लोग देखें तो आप लोग को बहुत सारा कुछ नॉलेज पता होगा रिगार्डिंग टैपिंग कटिंग टूल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्यों ना। मैं हर हफ्ते ऐसा टाइप का वीडियो हर हफ्ते 2-3 डालने वाला हूँ रिगार्डिंग सीएनसी नॉलेजेस एंड मैकेनिकल नॉलेजेस। चलिए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टैपिंग कटिंग टूल, जो कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये वाला टैप मेरा नॉर्मल टैप और जिसको बोलते स्टैंडर्ड टैप, और दूसरा और एक ही टैप ऐसा है कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये मेरा हेलिकॉइल टैप। तो इधर एक सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग को शायद पता है या पता नहीं, जिसको पता नहीं है तो आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए। तो टैपिंग कटिंग टूल का ऊपर जो सांग के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, वो इस स्पेसिफिकेशन को आप थोड़ा अच्छा से दिखे तो आप लोग को पूरा इजीली पता होगा कि उधर कुछ टैप का बेसिक साइज जो है आप लोग उसको समझ लीजिए कि M10 × 1.5, M8 × 1.25 और ऐसा कुछ टैप है कि उधर कुछ स्टैंडर्ड साइज लिखा हुआ होगा और पिच नहीं लिखा है, तो आप लोग उधर थोड़ा घबराने की बात है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ आपको अच्छा से जानकारी देने के लिए। खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो पहले ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मेरे को इंचार्ज और सुपरवाइजर लोग डांट रहे थे, लेकिन मेरे को जो भी पता हुआ तो मैं सोचा ये थोड़ा नॉलेज आप लोग शेयर करेंगे और बांटेंगे तो आप लोग को भी अच्छा से पता होगा कि आप लोग सुपरवाइजर लोग और इंचार्ज से गाली सुनना नहीं पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं आपके सामने कुछ टैब्स लेके आया हूँ, टॉप कटिंग टूल। उधर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कटिंग टूल, मैं आपको उसका बारे में कुछ थोड़ा बहुत हिंट्स पहले दे देता हूँ। ऐसा कुछ कटिंग टूल है, उधर उसका स्टैंडर्ड साइज लिखा हुआ और पीच लिखा हुआ होगा, लेकिन दूसरा ऐसा कुछ टैप है उधर स्टैंडर्ड साइज लिखा हुआ लेकिन पीच नहीं लिखा, वही पीच के बदले में उधर उसका स्टैंडर्ड जो सिंबलाइज स्टैंडर्ड हुआ है। आप लोग को यह समझ लेना चाहिए कि 6H मतलब एक स्टैंडर्ड और नॉर्मल टैप है। तो लेकिन इधर और एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग को कैसे पता होगा ये एक हेलिकल टैप। तो ज्यादातर लोग को हेलिकल टैप का प्रोग्राम और हेलिकल टैपिंग करने को दे रहे इंचार्ज लोग, तो हम लोग थोड़ा नर्वस होते, लेकिन नर्वस होने को जरूरत नहीं है कि आप लोग को रिक्वायर्ड टैप लाने का टाइम में आप लोग ध्यान से थोड़ा देखना चाहिए कि इस टैप कटिंग टूल में क्या लिखा है, आपका कटिंग टूल में क्या लिखा है वो थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि आपका कटिंग टूल में M10 × 1.5 लिखा है और M10 6H लिखा है कि M10 × 1.5 STI लिखा है। चाहिए कि जो टैप कटिंग टूल में STI लिखा हुआ होगा वो 100% श्योर कि वो हेलिकल टैप है। तो हेलिकल टैप के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड टैप के साइज में ड्रिल नहीं डालना पड़ेगा, तो हम लोग को दूसरा चार्ट के हिसाब से ड्रिल डालना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वही कुछ टैप कटिंग टूल दिखाने वाला हूँ स्क्रीन में, तो ध्यान से देखिए। आपके सामने एक स्टैंडर्ड टैप है M10 × 1.5 पीच के लिए, और एक दूसरा टाइप का टैप टूल लेके आया तो कि ये एक ऑल्सो स्टैंडर्ड टैप है। अच्छा से देखिए कि ये STI लिखा है, मतलब आप लोग को ये समझ लेना चाहिए कि ये 100% हेलिकल टैप है। एक्चुअली फंक्शनिंग क्या है, इधर जो भी हमारा टैपिंग टूल डाउन अड़ जा रहा है तो इधर हमारा स्पिंडल
रोटेशन क्लॉकवाइज होता और कंप्लीटेड टैपिंग प्रोग्राम देन जो अपवर्ड कटिंग टूल दैट टाइम्स स्पिंडल रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज में ऊपर जा रहा, उसका मतलब ये है कि हमारा जो तो ये रिवर्स में ऊपर जा रहा। तो हम लोग कंट्रोल पैनल बोर्ड को जाएंगे, उधर करंट कमांड है, देख लीजिए गौर से, इधर करंट कमांड है। करंट कमांड को प्रेस करने के बाद कर्सर जो चारों तरफ से अप डाउन और लेफ्ट राइट साइड है उसको हम ऑफ साइड को प्रेस करेंगे। ऑफ साइड प्रेस करने के बाद इधर हम लोग ये शो करेगा। देन हम लोग कैलकुलेटर को जाएंगे, कैलकुलेटर को जाने के बाद लेकिन हम लोग आज टॉपिक है हम लोग का मिलिंग टैपिंग है, उनके लिए हम लोग ये वीडियो बनाया। अच्छा से वीडियो देख लीजिए कैसे हम टैपिंग कैलकुलेशन करते। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं ये मिलिंग का कटिंग स्पीड और फीड टीपीआई को छोड़ दो, उधर हम कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट मेट्रिक लीड मतलब पिच, हम लोग का टैप बेसिक टैपिक टैप साइज जो है उसका पिच हम लोग इधर डालना है। पिच डालने के बाद नेक्स्ट आरपीएम में हमारा कितना आरपीएम चाहिए, आरपीएम को डालेंगे। आरपीएम डालने के बाद वो ऑटोमेटिक फीड इधर कैलकुलेशन हो के आएगा। एग्जांपल भी ले रखा है और थोड़ा आसान के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ इस वीडियो के बारे में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने को कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।